नमस्कार, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। तो आज हमारा हिंदी का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू रखे हुए हैं आज हमने हिंदी के। तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। पुलिस भर्ती के लिए या अन्य जो भी हिमाचल की जो भी गवित एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदी। तो स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी के जो एमसीक्यूज हैं टेस्ट वो। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। यानी कि जब हम समास, पहले तो समास समझिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में। यानी कि किसी भी पद या वाक्य को, पद हुआ छोटा सा है ना, तो उसको अलग करते हैं या उसको सबसे छोटा करके लिखते हैं तो उसको कहते हैं संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे कहा गया है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन है विच्छेद, बी ऑप्शन है बदलाव, सी ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है विभक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपको पता होगा विच्छेद, विच्छेद चलते हैं संधि में, ठीक है जी। संधि में इनके शब्दों को अलग करने के लिए सीधा हम विच्छेद करते हैं, बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विभक्तियां हैं ये कारक में चलती हैं, इनकी कारक चिन्हों की विभक्तियां होती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, अमरण में कौन सा समास है, अमरण में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्यवी भाव समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है, ठीक है जी। अमरण शब्द में कौन सा समास है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये सही आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, अव्यवी भाव समास। अब मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। सबसे पहले तो ऑप्शन वाइज समझ लीजिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बताती हूँ कि तत्पुरुष समास में आपकी मैक्सिमम जो कारक होते हैं वो ही आते हैं, ठीक है जी। कर्ता को छोड़कर जैसे कर्म है, ठीक है जी, संप्रदान है, आपादान है, ठीक है, कर्ण है, तो वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में। उनकी विभक्तियां वहां पे प्रयुक्त की जाती हैं जब हम विग्रह करते हैं। अगला है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जैसे दो अलग अलग, दो पृथक सत्ताओं को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द्वंद्व समास का, ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने द्वंद्व समास का फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे, जैसे माता पिता अलग अलग हैं लेकिन हमने क्या किया है, इनको युक्ल रखा हुआ है, तो वो आपके द्वंद्व समास में, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और विग्रह करने पर और तथा एवं ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है, पहचान है हर एक समास की संख्यावाची, ठीक है जी। संख्यावाची में जैसे मान लो त्रिरत्न, तो त्रि मतलब तीन, रत्न मतलब जो जिसके बारे में बात की गई है वो, तीन रत्न। अब बात करते हैं इसका जो सही आंसर है, अव्यवी भाव समास। अव्यवी भाव समास नाम से पता चल रहा होगा, तो पहला शब्द अव्यव, अव्यव मीन्स अविकारी, तो पहला शब्द, जिस शब्द में जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, अविकारी। अविकारी शब्द होते हैं जो शब्द लिंग वचन कारक काल के कारण नहीं बदलते। तो आ जो है हमारा वो है अव्यव, आ ले लो, बे ले लो, यथा ले लो, है ना, ठीक है, प्रति ले लो, ये सारे शब्द जो है वो आपके अव्यवी भाव समास में मेल रहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द जो है वो इन शब्दों से ही स्टार्ट होता है, तो ये इसकी पहचान है अव्यवी भाव समास की। पहला पद आ, अविकार, ठीक है जी। आशा करती हूँ समझ आ रहा होगा साथ साथ में। अगले तीसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं, सेना नायक में समास है, सेना नायक में कौन सा समास है वो बताना है। द्विगु है, अव्यवी भाव है, द्वंद है या तत्पुरुष समास है, सेना नायक, ठीक है जी। सेना नायक में कौन सा समास है, द्विगु समास है, अव्यवी भाव समास है या द्वंद समास है या तत्पुरुष समास है।
तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कैसे है? सेना नायक, सेना का नायक। तो इसमें क्या लगा आपका? दो शब्दों बोला गया है, दो पदों को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं समास में, विग्रह करते हैं। तो विग्रह कैसे करेंगे? सेना का नायक, तो का जो है वो इसमें क्या आ रही है? आपकी विभक्ति आ रही है ना जी। तो सेना नायक, सेना का नायक, तो कौन से समास में ऐड करेंगे इसको? स्वन तत्पुरुष समास। कैसे? सेना का नायक, उसका नायक का किसके साथ संबंध है? सेना के साथ। और तत्पुरुष समास में जो विभक्ति है वो है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीही समास है या द्वंद समास है? देशभक्ति, तो देशभक्ति में जो आपका समास रहेगा वो भी रहेगा तत्पुरुष समास, है ना। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए, ठीक है जी। तो ये भी क्या है? कारक है देशभक्ति। विग्रह कैसे करेंगे? देश के लिए भक्ति, ठीक है जी। तो के लिए तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, शॉर्टकट में लिखना किसी भी शब्द को या पद को, ठीक है जी। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका अर्थ है कि आपको पता होगा, यानी कि समास के शब्द हैं दो शब्दों या दो पदों को मिलाकर बन रहा है, चाहे वो कोई भी शब्द है। जैसे मैंने यथा समय लिया, ठीक है। तो यानी कि दो शब्द आपस में मिल रहे हैं, यथा प्लस समय, तो वो इकट्ठा जब करेंगे तो वो समास पद बनेंगे, और अलग मैंने कर दिए हैं तो वो विग्रह हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब क्या कहा गया है कि अगर ये दोनों शब्द मिलकर, है ना, किसी तीसरे शब्द का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं विशेषण के रूप में, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? बहुव्रीही समास कहेंगे। जैसे मान लो मैं एक और शब्द लिख रही हूं, दशानन। अब इसका विग्रह जैसे मान लो दश जमा आनंद, है ना। तो इन दोनों शब्दों को अगर मैंने मिलाना है और सिर्फ एक शब्द देना है, एक शब्द मतलब अविकारी शब्द दूंगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। जैसे किसी का नाम है, वैसे तो वो संज्ञा में ऐड होता है नाम, लेकिन क्या होता है कि जैसे नाम है तो नाम को हम क्या करेंगे? जैसे किसी का नाम अगर मोहन रखा है तो वो क्या करेंगे? उसको मोहन ही बुलाएंगे, है ना, उसको और कुछ नहीं बुलाते। तो इसलिए मैंने उसको अविकारी बोला है। वैसे वो संज्ञा का शब्द आता है, किसी का नाम है वो भी। तो अब इसमें बोला गया है जैसे दश जमा आनंद, ये दो शब्द हैं। अब ये मिलकर अगर हमने एक शब्द बनाना है, दशानंद तो बना है, लेकिन इसको एक और नाम देना है एक शब्द के रूप में, जिसको हम ना अलग कर सके ना तोड़ सके, तो वो तीसरा शब्द होगा रावण, ठीक है जी। तो रावण हुआ आपका बहुव्रीही समास। तीसरा शब्द देना है जिसको हम क्या ना कर सके, ना तोड़ सके, ना विच्छेद कर सके, ठीक है जी। तो उसको कहेंगे हम बहुव्रीही समास, ठीक है। यानी कि किसी के अब नाम रावण रखा है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, मोहन है तो उसको तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो किस में आएगा आपका? बहुव्रीही समास में। प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद समास। तो मैंने आपको पहले भी बताया ये वाला, है ना, जब अमरण आया था तब भी बताया था कि प्रति, प्रति शब्द है आपका अविकारी, अविकारी मीन्स अवयव, जिसे अवयव भी कहते हैं। अवयव मतलब अवयवी भाव समास, ठीक है जी। तो प्रतिदिन में अवयवी भाव समास। अगला है ध्यान मग्न में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद समास। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, तो तत्पुरुष समास।
ठीक है जी, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, विच्छेद है इसका, ध्यान मगन। ठीक है, तो विच्छेद कैसे करेंगे, सॉरी विग्रह कैसे करेंगे, ध्यान में मगन। तो मैं किसमें आती है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये। ठीक है जी, अधिकरण तत्पुरुष समास, तो यहां पे अधिकरण नहीं दिया गया है, केवल तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष ही लिखेंगे। ठीक है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कर्मधारय है, बहुव्रीही है, द्विगु है, ये द्वंद समास है। ठीक है जी, तो त्रिवेणी में क्या आ रहा है आपका, पहला पद त्रि, पहले भी बताया ना आपको, तो मतलब तीन, वेणियों का समाहार, समाहार होता है समूह। ठीक है जी, तीन वेणियों का समाहार, तो पहला पद देखना है हमने, और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, अगर द्विगु समास तो इसका आंसर है द्विगु। ठीक है, और अगर त्रिवेणी शब्द, कई बार त्रिवेणी शब्द जो है वो आपका बहुव्रीही में भी आता है। ठीक है, तो जहां पे ऑप्शन में अगर आपको द्विगु नहीं दिया गया है, केवल कर्मधारय है, बहुव्रीही है, अव्ययी भाव है, ये द्वंद है, द्विगु नहीं दिया गया और बहुव्रीही दिया गया, तो आपने जब त्रिवेणी आएगा तो उस पर बहुव्रीही पर टिक करना है, नहीं तो अगर बहुव्रीही भी है और द्विगु भी है तो द्विगु पे टिक करना है। क्यों करना है त्रिवेणी, तो क्योंकि इसका तीसरा अर्थ भी निकलता है, त्रिवेणी तीन नदियों का संगम स्थल, वेणी होती है नदियां, ठीक है, तीन नदियों का संगम स्थल, तो तीसरा अर्थ निकलता है प्रयागराज, तो इसलिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, क्योंकि हमने इसका एक तीसरा अर्थ निकाला है दो पदों को मिलाकर, तो इसको बहुव्रीही में भी ऐड करते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर बाय द वे द्विगु ना होगा तब बहुव्रीही पर टिक करना, ऐसे नहीं। निम्नलिखित में से द्वंद समास का शब्द है, तो द्वंद समास मैंने बोला था दो पृथक सताएं, अलग अलग, एक जैसी नहीं, दो अलग अलग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आजकल रातों रात, दिन दिन वीर पुरुष। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आजकल, कैसे होगा, आज और कल दो पृथक सताएं हैं, ठीक है, आपस में जोड़ रही हैं, बीच में लगा है योजक चिन्ह। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे भी तो योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे देखो रातों रात एक जैसे हैं दो, है ना, रात रात एक जैसे है ना, और बीच में योजक तो लगा है, लेकिन मैंने बोला दो पृथक सताएं, दो अलग शब्द। ठीक है जी, दिन दिन यहाँ पे भी योजक है, लेकिन इसको भी नहीं मानेंगे हम, ये वाला वीर पुरुष तो वैसे नहीं आएगा, आज कल, आज भी है कल भी है, लेकिन पृथक है, लेकिन दोनों अपनी जगह पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला, सप्तऋषि में समास है अव्ययी भाव, बहुव्रीही, द्विगु या कर्मधारय, तो सप्त मतलब संख्या, तो संख्या मतलब द्विगु समास। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को कहेंगे धातु। ठीक है जी, क्रिया वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो धातुएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि धातुओं के बिना क्रिया का निर्माण नहीं होता। धातुएं हैं जैसे ना, धातु है जैसे पढ़, अब अगर ना लगाएंगे तो वो पूरी क्रिया बनेगी, पढ़ना, ठीक है, लिखना, सोना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। ठीक है जी, तो कौन सी क्रिया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है मतलब पुस्तकालय भी साथ में लगा है वैसे, है ना, और पढ़ना मतलब कर्म कर रहा है, तो कर्म के लिए कौन सी क्रिया लगती है, कर्मक क्रिया, जिसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़े, कर्म की आवश्यकता पड़े, उसको कहते हैं कर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया नहीं है, यानी कि दो क्रियाओं का मेल जोल नहीं है, सहायक भी नहीं है, किसी की सहायता भी नहीं ले रहा है, अकर्मक भी नहीं है, अकर्मक होता है ना कर्म, जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता ना पड़े, सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पे सीधा जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, बालक के ऊपर पड़ रहा है, कि वो पुस्तकालय में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, सॉरी बालक के ऊपर नहीं, उसके पढ़ने के ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए ये है कर्मक क्रिया। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है, कर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्युकर्मक है। अब देखिए जी, अकर्मक मैंने आपको बताया जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती,
सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर, कर्मक, जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है और सीधा प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर पड़ता है। प्रेरणार्थक मतलब किसी को प्रेरित करना किसी कार्य को करने के लिए। द्व्युकर्मक मतलब वो ही सेम है, ठीक है जी, किसी दूसरे के द्वारा कार्य लिया जाना। तो यहाँ पे बोला है राम सो रहा है, राम क्या है, कर्ता है, कर्ता क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो ये है आपके अकर्मक क्रिया। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, यौगिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है जी। तो इसका सही जो आंसर है वो है नाम धातु क्रिया। अब मैं बताती हूँ, नाम धातु क्रिया में आना प्रत्यय का मैक्सिमम प्रयोग होता है ना, चिकनाना, हथियाना, और शब्द बनते हैं आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित शब्द बनते हैं सारे, इनका निर्माण होता है आगे। तो हाथ आपका कौन सा शब्द है, संज्ञा का, हाथ से हथियाना, आना प्रत्यय मैक्सिमम यूज होता है, चिकनाना, चिकना शब्द जो है वो विशेषण है, विशेषता है। तो आना प्रत्यय मतलब नाम धातु क्रिया, प्रेरित नहीं किया है, ना ही यौगिक क्रिया है, ना ही संयुक्त क्रिया है। पढ़ना का क्रिया भेद है अकर्मक, स्कर्मक, द्युकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ना जो है वो आपकी स्कर्मक क्रिया है, पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा कर्म लगता है, पुस्तक पढ़नी पड़ती है, पुस्तक को किसी ने लिखा है, उसने बहुत मेहनत से लिखा है, बहुत कर्म किया है, तो इसलिए ये स्कर्मक क्रिया है। किसी कार्य का करना या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, किसी कार्य के करने या होने का बोध। पहले तो आपने जो परिभाषाएं भी, मैंने बहुत बार बच्चों को बोला है कि मैक्सिमम या कई बार है ना, जो परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित भी आपको प्रश्न आ जाते हैं। तो जैसे मैं क्लास लेती हूँ बच्चों की, तो उसमें मैं परिभाषाएं हर एक टॉपिक की परिभाषा भी लिखाती हूँ, हर एक विषय की, ताकि बच्चों को क्या ना हो कि जब वो एग्जाम देने बैठे तो उनको ये ना लगे कि ये तो हमें करवाया नहीं है ना। तो मैक्सिमम, तो सब बच्चों से यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सभी जो हैं वो मैक्सिमम पूरे टॉपिक को एकदम से ब्रीफली से पढ़ा करो, चाहे वो हिंदी है चाहे वो अदर टॉपिक है उनको, ठीक है जी। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, काल कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, या विशेषण। तो आपको पता होगा संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, ठीक है। क्रिया, क्रिया मतलब कर्म के होने या करने को बताना, विशेषण मतलब विशेषता प्रकट करना, काल मतलब कार्य के बारे में, कार्य के बारे में पूछा यहाँ पे ना, किसी कार्य के करने या होने, तो किसी काम के बारे में बताना, तो वो क्रिया। काल जो होता है वो होता है समय को बताना, ठीक है जी। समय मतलब क्रिया किस समय में घटित हो रही है, घटित हो रही है, तो वो है आपका काल। अगर यहाँ पे होता कि किस समय में घटित हो रही है, तो वो काल। अगर यहाँ पे होता कि किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम का बोध करवाने वाले को क्या कहते हैं, तो वो संज्ञा। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्रिया, तो क्रिया होती है कि किसी भी कार्य, यानी कि कोई कार्य हो रहा है, जैसे मान लो मैंने बोला श्याम सो रहा है, तो सोना वो क्या कार्य कर रहा है, तो वो आपका किस में आएगा, क्रिया में। या फिर विशेषण, विशेषण होता है विशेषता प्राप्त करना, है ना, किसी भी चीज की। जैसे मान लो मैंने बोला मीठा आम, आम बहुत मीठा है, या मीठा आम, तो आम की विशेषता क्या है, उसका मीठापन, है ना। और यहाँ पे क्या विशेषता है, जैसे मोहन सोता है, क्रिया सोता है, तो वो क्या कर रहा है, क्रिया को कर रहा है ना, अकर्मक क्रिया सोने की, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है क्रिया। क्रिया चुनिए, अखिल घर के आंगन में खेलता है, कौन सी क्रिया है वाक्य में, खेलता है, अखिल है, घर के है, या आंगन है, ठीक है जी। तो इसमें क्या कर रहा है, वो खेल रहा है ना, तो इसमें कौन सी क्रिया है, खेलता है ना। अखिल तो आपकी संज्ञा में आ गई, घर भी संज्ञा आ गई, आंगन भी, खेलना क्रिया का संज्ञा। माँ ने पिताजी से सामान मंगाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक क्रिया है, आज्ञार्थक क्रिया है, द्युकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया। तो माँ ने किससे मंगवाया, पिताजी से, तो वो है प्रेरणार्थक, माँ ने पिताजी को प्रेरित किया सामान ले आने के लिए, है ना। तो अकर्मक मतलब कोई कर्म ना करना, आज्ञार्थक मतलब आज्ञा भी नहीं दी, द्युकर्मक मतलब वो भी नहीं है,
प्रेरणार्थक मतलब प्रेरित करना, तो सही ऑप्शन है प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया मतलब मिला जुला। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया होती है एक क्रिया दूसरी क्रिया के साथ जुड़ी हुई होती है। तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यानी कि जैसे आधा वाक्य महसूस होता है जब पढ़ते हैं ना, तो जैसे अगर मैं यहां तक बोलती हूँ ना तुम प्रतिदिन, तो मतलब प्रतिदिन क्या करना है, पढ़ने आया करो, तो उसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित वाक्यांश में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, ये छात्रा लिख रही है। तो इसमें जो अकर्मक क्रिया है तो वो है सोना, शिशु सो रहा है। मैं आपको बताती हूँ अकर्मक क्रिया में कौन कौन से वाक्य आते हैं। अकर्मक क्रिया में आपका आता है सोना, देखना, हंसना, रोना, ठीक है जी, ये सारे जो होते हैं वो आपके किसमें आते हैं, अकर्मक क्रिया में। तो सोना कोई क्रिया कर्म नहीं है, ये केवल अकर्मक क्रिया है। अगला है बच्चे बीएस से पाठशाला जाते हैं, बीएस नहीं है यहाँ पे, बच्चे बस से, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपादान है, संप्रदान है, कर्म है या करण? तो बस से है ना, तो बस का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया है, साधन के तौर पर, ठीक है जी, ये कारक चले तो बस का प्रयोग किया उन्होंने साधन के तौर पर। तो साधन होता है, अपादान में भी ऐसे से होता है, लेकिन अपादान का से होता है अलगाव के लिए, ठीक है। और जो करण में से होता है वो होता है किसके लिए, विभक्ति है, वो होता है साधन के तौर पर, अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने प्रयोग में ला रहे हैं तो। तो यहां पे बस का प्रयोग उन्होंने साधन के तौर पर किया है, तो इसलिए इसका सही आंसर है करण का। उससे अच्छे तो आप हैं मैं कौन सा कारक है, अधिकरण है, आपादान है, करण है या संबोधन है? उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक है जी, तो उससे अच्छे तो आप हैं, यानी कि किसी दूसरे के लिए बात की गई है, अलगाव प्रकट किया गया है, तो से शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, और पीछे करण में करण वाले से का था साधन के तौर पर, और यहाँ पे अलगाव के लिए, तो आपादान। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कारक होता है जो बीच में लगता है, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो अधिकरण की विभक्ति है मैं पर, है ना, कर्म तो कोई किया नहीं, करण भी नहीं है साधन के तौर पर, संप्रदान भी नहीं है, है ना, तो इसमें है अधिकरण मैं पर। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ठीक है जी, करण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या आपादान? तो शिक्षक ने पाठ नए लगा है, पहले तो विभक्तियां याद करनी पड़ेगी आपको पूरी की पूरी, है ना। तो कारकों की संख्या कितनी है, आठ, हिंदी में आठ, संस्कृत में छह। तो नए शब्द का प्रयोग, और क्या किया उसने, कर्म किया पाठ पढ़ाने का, तो कर्म कारक, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। शिक्षक ने, कर्ता ने, हाँ हाँ हाँ, कर्ता ने कर्म को, सॉरी, कर्म के साथ को विभक्ति लगती है ना, तो कर्ता ने लगा है, तो वो है आपका कर्ता का, कर्ता के साथ ने, ठीक है जी, कर्ता ने, तो कर्ता का, बाय मिस्टेक कर्म बोल दी है ना, सॉरी। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी क्या बनाया मास्टर जी ने, अपना आधार बनाया बैठने के लिए, है ना, तो जहां पे पर शब्द का प्रयोग आधार के तौर पर, आधार होता है कि मेन मुख्य, जैसे अगर मैं एक वाक्य बोलूं भगत सिंह देश पर कुर्बान हो गए, तो उन्होंने सबसे आधार होता है सबसे ऊपर, उन्होंने किसको रखा था, अपने देश को, वो आधार बनाया था। अब यहाँ पे बैठने के लिए मास्टर जी का क्या आधार है, कुर्सी है ना, है ना, एक सोर्सेस के रूप में आप ले लो, तो कुर्सी, तो पर यानी कि जो आधार बनाया गया है, तो अधिकरण मैं पर, ठीक है जी, तो इसका आंसर है अधिकरण। बेकार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी, री शब्द आ रहा है मैं के साथ, और उसने कार के बारे में बोला है कि वो कार किसकी है, उसकी, तो वो क्या कर रहा है इसमें, अपना और अपनी कार के साथ क्या प्रकट कर रहा है, स्वंद प्रकट कर रहा है, तो ये जो है वो आपका है स्वंद कार। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो पहले तो मैंने विभक्तियां, जैसे कर्ता ने, है ना, कर्म को,
ठीक है। संप्रदान आपादान से के लिए किसके साथ के लिए किसके साथ लगता है? संप्रदान के लिए, ठीक है जी। तो आपका के लिए लगेगा संप्रदान के लिए, ठीक है। और इसमें जो कर्म का है वो है को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें आपका क्या पूछा है? कर्म कारक पूछा है, तो कर्म है को, ठीक है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें भी वही है आपका को, है ना। तो माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, संप्रदान को के लिए के वास्ते, ये संप्रदान के क्या है आपके सारे विभक्ति चिन्ह, है ना। को के लिए के, जिसके लिए क्रिया की जाती है के वास्ते, ठीक है। तो माँ किसके लिए क्रिया कर रही है? संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं। तो माँ किसके लिए कार्य कर रही है? बच्चे के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान का अगला है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखना इस जरा, इसमें हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा क्या कर रही है? हिमालय को अलग कर रही है ना, और बीच में व्यक्ति लगी है से, तो इसमें कौन सा कारक है? आपादान। हाँ जी, कर्म में तो को लगेगा, तो को यहाँ पे है नहीं। अधिकरण मैं पर संबोधन, मतलब किसी को संबोधित करना है, अरे तो वो भी नहीं है, तो आपादान से। का के की रा रे री विभक्तियों या परसर्ग भी बोलते हैं विभक्तियों को। परसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है? तो ये होता है जब आपने किसी के साथ, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ अपना संबंध बताना है। जैसे मान लो मेरा भाई, तो रा लगा है ना, मैंने अपना और अपने भाई का संबंध बताया। हमारी गाड़ियां, तो री लगा, मतलब मैंने गाड़ियों के साथ संबंध बताया, है ना। तो वहां पे इसका किसका प्रयोग करेंगे हम? का के की रा रे री या नाने, संबंध कारक, ठीक है जी। मैं खाना खा चुका था, खा, ठीक है जी। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? अब ये काल से रिलेटेड क्वेश्चन चले आपके। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खा चुका था, है ना जी। सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन भूत है, या संदिग्ध भूत है? पहले तो क्रिया को समझ रहे हैं कि वो क्या कर चुका था, खा चुका था, तो इसमें है यानी कि उसने क्रिया जो है वो पूर्ण कर ली है, तो इसमें है आपका पूर्ण भूतकाल, है ना। वाक्य को समझना, मैं खाना खा चुका था, यानी कि वो अपना कार्य जो है वो भूतकाल में क्या कर चुका है, पूरा कर चुका है। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, या क्रिया का पूर्ण रूप? तो ये मैंने जब आपको क्रिया के बारे में पूछा था तब भी मैंने आपको बताया था कि क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया किस काल में हो रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? सात हैं, छह हैं, नौ हैं, ये चार। तो भूतकाल के जो हैं वो छह भेद हैं, ठीक है जी। भूतकाल के कितने भेद हैं? छह भेद हैं। ये जब डिटेल में करवाऊंगी तब आपको पूरा बताऊंगी। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है गा रहा था। अब देखिए क्रिया भी पूरी नहीं हुई है, वो क्या कर रहा था? गा रहा था। तो इसमें कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूतकाल, मतलब क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भविष्य, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल। वाक्य पढ़ना है, दुनिया को नई राह दिखाता है, है मतलब वर्तमान, तो इसमें कौन सा वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल। मोहन ने पढ़ा है, ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता तो कैसे इसको हम बोलते? भूतकाल है ना। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मतलब संदेह होना चाहिए उसमें, मोहन ने पढ़ा था,
तो मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा होगा, तो वो वाला संदिग्ध भूत का, मोहन ने पढ़ा होगा। इसमें बी ऑप्शन में क्या है, संदेह है कि शायद हो सकता है कि मोहन ने किसी चीज को पढ़ा होगा। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा भविष्य, हेतु हेतुमत भूतकाल, वर्तमान काल या आसन भूतकाल। मतलब आसन भूतकाल मतलब यानी कि पहुंचा ही होगा, ही लगा ना तो ही का अर्थ होता है तुरंत। जो क्रिया भूतकाल में अभी अभी या तुरंत समाप्त हो उसे कहते हैं आसन भूतकाल। निम्न में से अपूर्ण भूत का उदाहरण है, मैं जाता हूं, सीता सो रही थी, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। अपूर्ण भूतकाल मतलब क्रिया वर्तमान में पूरी नहीं हुई है, तो कौन सी है, सीता सो रही थी, ही लगा ना, तो मतलब सीता क्या कर रही थी, सो रही थी, अभी सो के हट गई है या उठ गई है वो हमें नहीं पता। मैं जाता हूं आपका वर्तमान है, वह आ रहा है आपका वर्तमान है, वह पुस्तक पढ़ेगा आपका भविष्य है। केवल एक ही है अपूर्ण भूतकाल, सीता सो रही थी। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया या आज्ञार्थक क्रिया, जिसमें क्या नहीं होता आपका लिंग परिवर्तन नहीं होता, मतलब जैसा है वो वैसे ही रहेगा, तो भूतकालिक क्रिया। ठीक है, भूतकालिक क्रिया का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य में, जब भूतकालिक क्रिया आती है तो वहां पे क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, है ना, बीत चुकी है ना क्रिया तो वो चेंज नहीं होगी। अभी का समय है हम चेंज कर सकते हैं लिंग परिवर्तन, यानी कि अगर मैं कर रही हूँ, मैं किसी यानी कि मेल को भी बोल सकती हूँ करने के लिए, पुरुष को बोल सकती हूँ, ठीक है, या फिर आने वाले समय के लिए भी हम यानी कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो घटित हो चुका है उसको हम क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तुम बैठो, मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, है ना, बैठो मैं अभी आया, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें है वर्तमान काल, क्योंकि उसने बोल दिया है ऑलरेडी कि तुम बैठो मैं अभी आया, वो खुद बोल रहा है ना, तो वो है वर्तमान काल। राम आम खाता है, बाच्य से रिलेटेड है, राम आम खाता है में बाच्य का कौन सा रूप है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या उभयवाच्य है, तो इसमें है कृतवाच्य। ठीक है जी, राम क्या कर रहा है, आम को खा रहा है, ठीक है, राम है तभी वो आम को खा रहा है, तो कृतवाच्य मतलब कर्ता प्रधान वाक्य है, कृतवाच्य मीन्स कर्ता प्रधान वाक्य, ठीक है। अगला है वाच्य के कितने प्रकार हैं, तो वाच्य के जो प्रकार हैं वो मेन तीन हैं, कौन कौन से हैं वो मैं बता देती हूं, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, और तीसरा जो है वो है भाववाच्य, यही तीन मेन है वाच्य के। पुस्तक पढ़ी जाती है मैं कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य, ये इसी के आगे चले हैं, ठीक है, मेन यही तीन है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है मैं आपका है कर्मवाच्य, यानी कि कर्म हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है मैं कर्मवाच्य, बी ऑप्शन से ही है। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा, यानी कि इसका कन्वर्ट करना है हमने कर्मवाच्य में, मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है, ठीक है जी। तो इसका हमने क्या बनाना है, इसमें था है उसमें है ना, तो इसका बनाना है हमने कर्मवाच्य, मुझसे खाया जाता है, ठीक है जी, आपका डी ऑप्शन कर्मवाच्य था, तो वो भूतकाल में चला गया ना। फिर लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करें, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं, तो लेख मतलब लिखने में कर्म लगा तो कर्मवाच्य, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो, ठीक है जी, क्रिया के जिस रूपांतर, रूपांतर मतलब बदलना, से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वो क्या कहलाएगा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य, तो वो आपका कहलाएगा कृतवाच्य, ए ऑप्शन,
ठीक है जी। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता, कर्ता दिया ना यहाँ पे, कर्ता की प्रधानता तो वो कृतवाच्य में आएगी। ये आधार भी है वाच्य के, कृत कर्म और भाव और इसके भेद भी। कर्म वाच्य में प्रधान होता है कर्ता, भाव, विचार या कर्म, तो इसमें प्रधान होगा कर्म में कर्म, भाववाच्य में भाव और कृतवाच्य में कर्ता। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रिया, तो मुझसे उठा नहीं गया तो उसमें उसने अपना भाव बताया है कि मुझसे अब उठा नहीं जाता, तो वो है आपका भाववाच्य। शाम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्रियावाच्य, तो ये है आपका कृतवाच्य, है ना जी। शाम को क्या करना है, पुस्तक पढ़नी है, कर्ता अपना प्रकट कर रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा। वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता के, कर्म के या भाव के, सभी के अनुसार जो है वो आपका वाच्य बनता है। मैंने बोला आधार भी यही है। राम ने कहा कि मैं घर आऊंगा, मैं घर चाहूंगा, कौन सा वाक्य, राम ने कहा कि मैं घर आऊंगा, तो घर आऊंगा, है ना जी, आऊंगा, कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है, तो ये है संज्ञा उपवाक्य, घर जो है वो आपकी है संज्ञा। बादल गिर आए और बारिश होने लगी, बादल गिर आए, गिरना मतलब नीचे नहीं आ गई, गिरना मतलब घेर लिया उन्होंने पूरे आसमान को बादलों ने। रचना की दृष्टि से वाक्य है सर्व आज्ञात्मक वाच्य, निषेधवाचक वाक्य या संयुक्त वाक्य, तो ये जो है वो आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे सरल वाक्यों को मिलाकर बना है और बीच में और, तथा, किंतु, अगर, मगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो वाक्य आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक, तो बिल्कुल सिंपल वाच्य है तो उसको हम विधानवाचक में ऐड करते हैं, जिसे कथनात्मक भी बोलते हैं, सकारात्मक भी बोलते हैं, ठीक है जी। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या इच्छावाचक है, तो ये आपका है संकेतवाचक। संकेत दे रहे हैं कि अगर पानी ना बरसता तो पूरी की पूरी फसल जो है वो सूख जाती। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना या बाजार, तो इसमें जो मेन उद्देश्य है वो है मोहन, है ना, मोहन है तभी वो बाजार जा रहा है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्न वाक्य, सरल ये है बिल्कुल सिंपल है, संयुक्त वाक्य मैंने आपको बताया दो छोटे छोटे सरल वाक्यों को मिलाकर बनता है और बीच में और, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, तो पढ़िए और बताइए, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये आपका कौन सा है, मिश्र वाक्य, एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जैसे उसने कहा कि लग गया मतलब, अब आगे क्या होगा, मैं घर जाऊंगा, ठीक है जी, दो वाक्य लेकिन एक दूसरे के ऊपर आश्रित। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये वाक्य है संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है या विस्मयवाचक है। संकेतवाचक मतलब संदेह होना नहीं है, विधानवाचक मतलब सकारात्मक वो भी नहीं है, इनके सिंपल भी नहीं है ना बिल्कुल। इच्छावाचक मतलब अपनी इच्छा प्रकट की है, हां जी इच्छा प्रकट की है, तो ये इच्छावाचक है। विस्मयवाचक मतलब विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग तो वो नहीं है, तो ये मैंने बता दिया आपको इच्छावाचक, अपनी इच्छा प्रकट की उसने। हाय मुझे क्या हो गया, ठीक है जी, हाय के बाद विस्मय आदि बोधक, वाक्य का प्रकार पहचानी, कई बार होता है कई बार नहीं होता विस्मय आदि बोधक, ठीक है जी, लेकिन शब्दों से पता चल जाता है। संदेहवाचक नहीं, संकेतवाचक नहीं, विधिवाचक मतलब आसान नहीं, तो विस्मयवाचक, हाँ जी डी ऑप्शन। शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञार्थक है, संदेहार्थक है, इच्छार्थक है या संकेतवाचक है, तो वो क्या प्रकट कर रहा है, वो कर रहा है अपना संदेह प्रकट, है ना, तो शायद हो सकता है पिताजी आ जाएं, संदेह, तो वो संदेहार्थक, संकेत नहीं है, संदेह, संकेत होता है किसी को पहले ही आग्रह करना। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या ए और बी दोनों, तो वाक्यों का अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार के अंतर्गत।
तो यहीं तक थे जो पूछे टॉपिक के जो एमसीक्यू थे, कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लेके आई। आशा करती हूँ कि आपको इनसे थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।